दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग बी की ओर से न्यू नोटिस जारी किया गया है तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू ऑफिशियल नोटिस देखिए और आप देखिएगा दोस्तों बी एस एस मिशन मोड में एक एक करके भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने जा रहा है तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए अभी बी एस एस सी की ओर से क्या कुछ लेटेस्ट पैटर्न अपनाया जा रहा है कैसे क्या परीक्षा हर एक चीज़ के बारे में चलिए फटाफट यहाँ तो से आप सभी देखिए तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी बिहार एस एस सी का ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए देखिएगा तो दो अलग अलग तरह का नोटिस है दोनों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आपके अनुसार सी बी टी वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ओ एम आर सीट वाला आप किसके पक्ष में सी बी टी के पक्ष में या फिर ओ एम आर सीट के पक्ष में फटाफट आप सभी अपनी राय कमेंट करके अधिक से अधिक बताइए चलिए यहाँ से सूचना पट नोटिस टैब पर, पर क्लिक करते हैं और यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं और चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए तो यहाँ पर देखिएगा दो अलग अलग तरह का नोटिस है तो दोनों आपके लिए जरूरी है ये देखिएगा जीरो वन दो नंबर से, से संबंधित है और देखिएगा तो इससे संबंधित अभी तुरंत ही सब कुछ हुआ और आपको भी आश्चर्य लगेगा कि इतना जल्दी परीक्षा ये सब चीज़ें कैसे हो सकता है यहाँ से आप सभी देखिएगा तो अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश तो जो भी इसमें चीज़ें दिया हुआ है आप सभी को भी इन्हीं चरणों से गुजरना है बिहार एस एस की ओर से क्या कुछ पैटर्न अपनाया जाता है कैसे क्या परीक्षा हर एक चीज़ के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी फुल गाइडलाइंस देख लीजिए तो देखिएगा तो यहाँ पर पेंसिल कैलकुलेटर ये सब चीज़ों के बारे में स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में मोबाइल फोन ये सब चीज़ आपको एग्जाम हॉल में लेकर नहीं जाना अनुचित साधन में इसको माना जाएगा और फिर आपके खिलाफ़ यानी आपके अभ्यर्थ कनी रद्द कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ़ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी ये हो गया इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बुकलेट ओ एम आर सीट इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अपना सही तरीके से ओ एम आर सीट ये सब चीज़ें फिलअप करना है अभ्यर्थी का जहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है उसी अनुसार आप सभी को बैठना है अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक पर देखिएगा हस्ताक्षर अटेंडेंस सीट ये सब सही तरीके से बनाना है देखिए यहाँ पर होता है क्या है ना कि हज़ारों में स्टूडेंट इन सभी चीज़ों के कारणों से ही बाहर हो जाते है अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखेंगे तो देखिए एडमिट कार्ड ये सब जब भी चीज़ें जारी किया जाता है तो आप सभी को अपना एडमिट कार्ड संभाल करके रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उस समय मांग आ जाता है इसके बाद देखिएगा इम्प्रेशन यानी कि अपने सीट पर पदरूप धारण किसी दूसरे को बैठा करके एग्जाम देना ये सब कदाचार माना जाएगा और देखिए अभी बिहार एस एस की ओर से देखिएगा तो बायोमेट्रिक से भी एक कदम आगे यानी कि आईरिस कैप्चर रेटिना स्कैन लिया जाता है जिस तरह से आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं उस तरीके से यहाँ पर लिया जा रहा है तो यहाँ देखिएगा जब वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो पहला चरण तो यही आपका होगा पहला आईरिस कैप्चर मिलाया जाएगा और ये मिलान होता है तभी आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा अगर नहीं मिलान होता है तो यही माना जाता है कि आप किसी दूसरे से एग्ज़ाम दिलवाएँ ये सब तो देखिए जो जैन कैंडिडेट होता है उसको तो दिक्कत नहीं होता है तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भिक्षक्ष से रिलेटेड जो भी निर्देश है क्वेश्चन बुकलेट ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है परीक्षा केंद्र में चप्पल पहन कराएंगे जूता पहन कर आते हैं तो परीक्षा कक्ष के बाहर आपको जूता खोल कर जाना पड़ेगा तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस है अब देखिए जो भी बिहार एस एस इंटर लेवल वाले सचिवालय सहायक वाले जो भी स्टूडेंट है सबको इन सभी गाइडलाइंस से गुजरना है अब यहाँ से चलिए आप सभी एडमिट कार्ड इन सभी चीज़ों को लेकर निर्देश देखिए ये जो है दोस्तों शुरू में आप लोगों को बताए थे जीरो वन दो हज़ार उन्नीस एडवर्टाइजमेंट नंबर से संबंधित है तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो इसके यहाँ पर तीन अगस्त से लेकर के बीस अगस्त तक फॉर्म ही फिलअप गया देखिए बिहार एस एस में आपको दो बार फॉर्म फिलअप करना है सबसे पहले तो पी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा के समय फॉर्म फिलअप करना पड़ता है तो अभी आप में से जो भी बिहार एस एस इंटर लेवल के लिए फॉर्म फ़िलप किए हैं उसी आधार पर आपका पीटी का एडमिट कार्ड जारी होगा जब आप पीटी में पास हो जाएगा जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो फिर से मेंस के समय फॉर्म फिलअप करना पड़ता है दरोगा एग्जाम में ऐसा नहीं है बिहार पुलिस में नहीं है लेकिन बी और बिहार एस में दो बार आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा मेन्स के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है फिर मेन्स का आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा फिर इसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा अब देखिए इस वीडियो को आप सभी थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा आप देखिएगा बिहार ए सी का हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि मेंस में बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाता आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अभी तो हम फॉर्म ही फिलअप किए थे फिर इसके बाद तुरंत बाद एडमिट कार्ड परीक्षा तो हर बार यही होता है तो इसमें भी देखिएगा ये जो है मेंस एग्जाम से संबंधित है तो तीन अगस्त से लेकर के देखिएगा बीस अगस्त तक फॉर्म ही फिलअप करवाया गया है और उक्त परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनतीस अगस्त को यानी देखिएगा ठीक नौ दिन बाद ही परीक्षा होने जा रही है उनतीस अगस्त को दो पाली में मेंस में दो पेपर होता है एक हिंदी होता है और दूसरा यहाँ पर समान अध्ययन ये देखिएगा उर्दू अनुवादक से रिलेटेड पोस्ट है तो इसमें उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भी अभ्यर्थी देखिएगा बिहार एस के वेबसाइट से फॉर्म ये सब मैथ्स के लिए फ़िलअप किए थे अब देखिए आप में से एक जीरो वन दो हज़ार उन्नीस यानी पद सहायक उर्दू अनुवादक वाले होंगे तो देखिए सबका एग्ज़ाम नहीं हो रहा अभी देखिएगा बिहार एस एस सी ओर से पी का फिर से री रिजल्ट जारी किया गया था लगभग ढाई सौ तीन सौ कैंडिडेट का तो जिसका भी रिजल्ट आया था दोबारा से सिर्फ़ उसी को उनतीस अगस्त को मेन्स एग्जाम देना है इसके बाद जैसी उनतीस अगस्त को मेन्स परीक्षा ली जाएगी इसके चार पाँच दिनों में रिजल्ट आएगा अब जो रिजल्ट आना है फाइनल रिजल्ट ही इसमें आना है तो जो यहाँ पर उर्दू अनुवादक वाले आप सभी रिजल्ट के इंतजार में थे तो अब आप सभी का फाइनल रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा तो यानी दोस्तों इस वीडियो का ये था कि आप सभी जो भी बिहार एस एस इंटर लेवल सचिवालय सहायक वाले आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए सोचिएगा कि मेंस के समय मेंस देखिए मेरिट वाला पेपर होता है और मेंस में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा सचिवालय सहायक की बात करें तो कम से कम आपको एक स्कोर इस बार करना पड़ेगा तब जाके आपके मेरिट बनेगा इंटर लेवल की बात करें तो एक सौ आपको यानी आपको एक टारगेट लेकर के चलना है जैसे ही आप पी एग्जाम दीजिएगा रिजल्ट आएगा इसके बाद मेन्थ्स में ज़्यादा सभी समय मिलता ही नहीं है इसलिए आप सभी मैथ रीजनिंग जी के साइंस की इतनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए कि पी में आपका रिजल्ट तो हो ही जाए साथ में मेन्स में भी आपका मेरिट बन जाए तो अभी से आपको उस अनुसार तैयारी करना है और हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर जो अभी बिहार एस का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार तैयारी करवा रहे हैं तो फटाफट आप सभी अप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए तो ये जो नोटिस है दोस्तों यहाँ से क्लियर हो गया कि ये सहायक उर्दू अनुवादक वाले पोस्ट से संबंधित है तीन अगस्त से लेकर के बीस अगस्त तक देखिएगा मेंस का फॉर्म फिलअप करवाया गया उनतीस अगस्त को परीक्षा है आप सभी बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पीटी एग्जाम का रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सही तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और एग्जाम के लिए जाना है ये परीक्षा जो है जिसका देखिएगा दोबारा से लिस्ट में नाम आया था यानी लगभग ढाई सौ तीन सौ स्टूडेंट का सिर्फ उसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड यहाँ पर देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड टैब पर यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड देखिएगा ये डेट के साथ है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिहार एस का एक नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा ये देखिएगा सबसे ऊपर में है क्लिक हेयर एडमिट कार्ड यहाँ पर आप सभी क्लिक कर दीजिएगा इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पीटी का रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ दीजिए आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये तो हो गया दोस्तों अब देखिए जो भी बिहार एस एस इंटर लेवल वाले देखिए बिहार एस एस इंटर लेवल का अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो अब आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाए देखिए बिहार एस एस की ओर से ये तो आपको बता दिया गया है कि सी परीक्षा लेंगे अब इसमें क्या है दोस्तों कुछ दिनों के बाद देखिएगा इसी तरह से आप लोगों का नोटिस जारी किया जाएगा कि इस तारीख से परीक्षा शुरू होगी और ये बहुत पहले नोटिस नहीं आएगा देखिएगा कोई भी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाते हैं सी के बारे में भी देखिएगा बिहार एस के नोटिस से लगभग दस दिन पहले ही आप लोगों को बताए थे बिहार एस की ओर से इंटर लेवल की परीक्षा सी ली जाएगी और रही बात दोस्तों परीक्षा की देखिए बिहार एस एस इंटर लेवल के लिए ज़्यादा समय नहीं आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि कब से परीक्षा हो सकती है तो आप सभी चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए तो बाकी यहाँ से जो बिहार एस एस सी की ओर से लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया था जीरो वन दो हज़ार उन्नीस पोस्ट से संबंधित आप सभी यहाँ से देख लिए कैसे क्या एडमिट कार्ड क्या कुछ निर्देश था हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ समझ में आ गया और जो भी इंटर लेवल वाले आप सभी मिशन बोर्ड में सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए देखिएगा बिहार एस बिल्कुल अब सीरियस हो गया है जितने भी तरह की भर्ती है यहाँ पर देखिएगा पिछले 10-15 दिनों में हर एक तरह का यहाँ पर बिहार एस एस सी से नोटिस जारी किया जा रहा है तो यानी देखिएगा मिशन मोड में जितने भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग चल रहा है एक एक करके कंप्लीट किया जा रहा है आप में से जो भी सीजियल फॉर बिहार एस एस इंटर लेवल वाले स्टूडेंट हैं आप सभी फुल तैयारी के लिए अप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए अभी जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार आप लोगों की तैयारी करवाएंगे ऑल सब्जेक्ट मैथजनिक जी के साइंस करेंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को बिहार के ऑल एग्जाम 100 प्लस क्वेश्चन बैंक भी मिलने वाला है पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम लिए गए हैं देखिए सीबीटी परीक्षा भी ली जाएगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है हर एग्जाम के एक अपना अलग पैटर्न होता है उसी पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा एक वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं